वैसे तो कैट फैमिली के सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कैट फैमिली के सभी मेंबर्स की हंटिंग स्किल काफी ज्यादा लाजवाब होती है। यहाँ कोई हवा की तेजी से भागता है तो कोई अकेला ही सौ पर भारी पड़ जाता है। सच में दोस्तों, कैट फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कैट फैमिली के सभी मेंबर्स की हंटिंग स्किल्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी सीट पर बैठ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कैट फैमिली के सबसे पहले मेंबर से। नंबर वन, लैपर्ड हंट्स इम्पाला। देखिए, सुबह होते ही ये लैपर्ड शिकार पर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जंगल में शिकार करना इतना आसान नहीं होता और उतने में ये लैपर्ड शिकार को ढूंढने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता है और पेड़ों पर चढ़ने के बाद उसे एक इम्पाला का झुंड दिखाई देता है। उतने में वो खूंखार लैपर्ड एक इम्पाला को अपना टारगेट बना लेता है, फिर भागते हुए उस इम्पाला पर हमला बोल देता है। दोस्तों देखिए कैसे इसने इम्पाला की गर्दन को पकड़ के रखा हुआ है और इम्पाला इस खूंखार शिकारी से बचने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है। लेकिन इस खूंखार शिकारी से बच पाना कोई आसान बात नहीं होती और इम्पाला इस खूंखार शिकारी से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। परंतु अंत में यह इम्पाला उस खूंखार लैपर्ड के सामने कमजोर पड़ जाता है और अंत में बेचारा इम्पाला हार मान लेता है। नंबर टू, पूमा हंट्स गुनेको। दोस्तों देखिए कैसे ये पूमा इस गुनेको पर घात लगा कर बैठा है। पूमा जैसे ही उसके पास पहुंचता है, गुनेको का झुंड उसे देख लेता है। लेकिन दोस्तों, पूमा भागते हुए उस गुनेको के पीछे पड़ जाता है। दोस्तों देखिए ये गुनेको इस पूमा से कितना ज्यादा बड़ा है। परंतु फिर भी पूमा उसका शिकार करने चला जाता है। पूमा के लिए इस बड़े गुनेको का शिकार करना कोई आसान बात नहीं होती और दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस पूमा को इस गुनेको का शिकार करने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। दोस्तों एक बार तो गुनेको बचकर भाग भी लेता है, लेकिन उतने में पूमा के बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं और गुनेको को पकड़ लेते हैं। नंबर थ्री, स्नो लैपर्ड हंट माउंटेन गॉट। दोस्तों देखिए दो पहाड़ी बकरी आपस में लड़ रही होती है और इतने में उस लड़ाई की आवाज सुनकर वहां एक स्नो लैपर्ड आ जाता है और उसके आते ही एक बकरी तो पतली गली से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरी बकरी के पीछे स्नो लैपर्ड पड़ जाता है। देखिए ये स्नो लैपर्ड कितनी तेजी से इस बकरी के पीछे भाग रहा है और वो बकरी भी उतनी ही तेजी से पहाड़ से नीचे उतर रही है। लेकिन एक बार तो बकरी उस स्नो लैपर्ड के मुंह में फंस ही जाती है। परंतु दोस्तों आज बकरी की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है जो वो तुरंत ही अपने आप को छुड़ा देती है और फिर से उनके बीच जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो जाता है। और स्नो लैपर्ड की काफी कोशिशों के बाद वह बकरी दोबारा उसके हाथों में आ जाती है। नंबर फोर, जैगुआर हंट्स अ क्रोकोडाइल। दोस्तों देखिए इस लैपर्ड को जो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन उतने में इस खूंखार जैगुआर की नजरें नदी में तैरते इस मगरमच्छ पर पड़ती हैं और यह वहां बैठकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। और जैसा ही इसे लगता है कि शिकार अब इसके पास आ चुका है तो यह उसके ऊपर
जोरदार उछाल लगाता है और फिर दोनों खूंखार जीवों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। वैसे किसी को उसके घर में घुसकर मारना इतनी आसान बात नहीं होती, और खासकर जब आपके सामने मगरमच्छ जैसा अपोनेंट हो। परंतु दोस्तों, आज इस लेपर्ड ने इस मगरमच्छ के घर में घुसकर उसे मारा और गर्दन से पकड़कर उठा के ले गया। सचमुच दोस्तों, कैट फैमिली का ये मेंबर तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। नंबर 5, लायन हंट्स अ वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों देखिए कैसे ये वाइल्ड बीस्ट का झुंड इस तालाब के किनारे पानी पी रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उस वाइल्ड बीस्ट को क्या ही पता था कि वहाँ एक शेर उसके लिए घात लगा कर बैठा है, और मौका मिलते ही वह शेर उस वाइल्ड बीस्ट पर हमला बोल देता है और अचानक से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ में शेर के पंजों में वाइल्ड बीस्ट का एक बच्चा फंस जाता है, और वह शेर उस वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को पकड़कर उसे जान से मार देता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, ब्लैक पैंथर हंट्स अ पाइथन। दोस्तों देखिए, ये पाइथन आराम से जा रहा होता है, लेकिन दोस्तों उतने में उस पर एक ब्लैक पैंथर की नजरें पड़ जाती हैं, और वह बहुत ज्यादा है उसका शिकार करने। फिर वह ब्लैक पैंथर उस पाइथन को पीछे से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है, और उसके खींचते ही पाइथन अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन ब्लैक पैंथर भी उसका शिकार करने के लिए पानी में कूद जाता है, और अब इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। देखिए ये ब्लैक पैंथर कैसे इसे खींचकर अपने पास ला रहा है, लेकिन ब्लैक पैंथर ने अपने आप को सांप के सिकंजे से छुड़ा लिया और फिर पाइथन को मुंह से पकड़कर घसीटता हुआ जमीन पर ले गया। नंबर 7, टाइगर हंट्स अ बियर। दोस्तों देखिए कैसे ये टाइगर इस बियर का पीछा कर रहा होता है, और कुछ देर पीछा करने के बाद इन दो खतरनाक जानवरों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। देखिए ये बियर और टाइगर कैसे आपस में लड़ रहे होते हैं। ये टाइगर बियर पर भारी पड़ जाता है, लेकिन बियर भी अपनी जान बचाने के लिए पूरा जोर लगा देता है, और दोस्तों देखिए कैसे ये बियर हमला करके इस खूंखार टाइगर को पीछे ढकेल रहा होता है। दोस्तों लेकिन कुछ देर बाद बासा पलट जाता है और टाइगर भालू के ऊपर चढ़ जाता है और उसे जान से मार देता है। सच में दोस्तों, इस खूंखार जीव से बचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नंबर 8, लीनैक्स हंट डियर। दोस्तों देखिए कैसे इस लीनैक्स ने इस बड़े हिरण पर अकेले ही हमला बोल दिया। वैसे दोस्तों, आप देख ही सकते हैं ये हिरण इस लीनैक्स से कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन दोस्तों लीनैक्स की हिम्मत और हंटिंग स्किल के आगे ये हिरण भी काफी ज्यादा छोटा हो गया। देखिए कैसे ये लीनैक्स हिरण की गर्दन पर लगातार वार करता है, और लीनैक्स के इस वार से हिरण जख्मी हो जाता है और उसके गर्दन से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वह वहीं गिर पड़ता है। दोस्तों लीनैक्स बस दिखने में ही छोटे होते हैं, वरना इनकी हंटिंग स्किल शेर और बाघ जैसे बड़े योद्धाओं को भी जख्मी कर सकते हैं। नंबर 9, ओकलॉट हंट्स इगुआना। दोस्तों देखिए ये ओकलॉट शिकार के लिए जंगल में भटक रहा होता है, तभी इस ओकलॉट को एक दुर्गंध महसूस होती है, और उस दुर्गंध का पीछा करते हुए उसकी नजर एक इगुआना पर पड़ती है, और वो ओकलॉट उछलकर इगुआना पर हमला बोल देता है और इगुआना को नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है, और इगुआना के नीचे गिरते ही
वह अपने मुंह से इगुआना की गर्दन दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। बेचारी इगुआना को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें।